हनुमान जी बोले, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो फल खा लूँ। माँ बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं है, आपने अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। माँ ने कहा, ठीक है, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर पाना। चले हनुमान जी, पेट भर के पहले सरकार खाए, उसके बाद फलों को वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े तो हनुमान जी आराम से बैठ के 15 को इधर पकड़े, अब 15 रखवालों को इधर पकड़े, अब पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, 3 बार तो रगड़ते थे, सीताराम 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 जाओ, सीताराम 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 जाओ, आते गए मारते गए। लास्ट में 10-12 रखवाले बचे, हनुमान जी आधे को इधर पकड़े आधे को इधर, 1 बार घसीटे सीताराम, वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? लास्ट? सब मर गए, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, 1 बार तो रगड़ी दिए हो, पूरा छिल गया है, हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है। हनुमान जी छोड़े गए सब रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु एक भारी कपि आया है। कितना भारी आया है, मतलब वो छोड़िए कितना भारी आया है, क्या किया है वो सुनिए। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल अरु बिटपऊ पारे। रावण बोला, तुम क्या कर रहे थे? बोला, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया। रक्षक मर्द मर्द महिडारे, पकड़ के मर्द मर्द मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठे हैं, जैसे माई लोग झाड़ू लगावत हैं। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए, ले घुमा के जय श्री राम जय श्री राम। जितने थे सब सब रजनीचर कपि संघारे, 4-5 जो इधर उधर से छटके थे पहुंचे रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला, रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला, मूर्ख तुम लोग, पता है सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले, सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, 25 भट्ट पीछे से गए थे, तो क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ऐसा पूंछ में लपेट के ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा देख रहे थे कि एकहू टपके ऊपर से, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का कुछ नहीं मिला प्रभु। वो सब अब भी सैटेलाइट बन करके घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, कोई नीचे नहीं आया। अच्छा, रावण का बेटा अक्षय कुमार कहा, पिताजी मुझे भेजिए। भेजा अक्षय कुमार को, सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे, जय श्री राम। वही चटनी बन गया उसका। अब उसके साथ कौन आया था? पहले रखवाले, रखवालों को मारे तो रावण ने भट्टों को भेजा, भट्टों को भटाभट निपटाए तो अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। हनुमान जी इनका क्या किए? कछु मारे कछु मर्द से, कछु मर्द से, कछु मिलिए सी धरे धो। हनुमान जी ने कुछ को मारा, कैसे मारा समझ रहे हैं? जू कभी मारा है? जू जू आजकल जू नहीं होता, पहले बहुत होता था, मिडगर का खूब प्रचार आता था टीवी में। जू कैसे लोग मारते थे? बड़े प्रेम से निकालते थे, फिर उसको नाखून पे रख के ऐसे यहां से, अरे ऐसे लेके टच। हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी, सुभटों को उठाते थे हाथ में रखकर, कछु मारे सी, कुछ बोले हमको ऐसे ना मारिए हमको। अच्छा ठीक है, आओ तुमको दूसरे स्टाइल से मारता हूं। कछु मर्द सी, कुछ को पकड़ के, कछु मिलिए सी धरे धो।
कुछ को धूल में रगड़ने लगे। इधर उधर से दो तीन छटके पहुंचे रावण के पास, आपके बेटे को मार दिया और आपको गलत सूचना रखवालों ने दी कि कपि आया है, प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट, प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, रावण ने कहा मेघनाथ को तुम आओ जाओ, लेकिन सावधान मारना मत, जानता था मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये कहिए, मेघनाथ पहले ही कूद के भाग लिया, उसका रथ टूट गया, माया करके ऊपर चला गया। सबसे पहले रखवालों को मारा, उसके बाद कौन आए थे? भट्ट। भट्ट के बाद सुभट। अब मेघनाथ के साथ महाभट गए हैं, रहे महाभट ताके संगा। जब मेघनाथ ऊपर चला गया तो हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। मालूम है हनुमान जी क्या किए? आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर के शरीर के बाल कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े। हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए, मानो लाखों करोड़ों निडिल आ गए हो शरीर में, सारे केश सुई जैसे नुकीले हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जो महाभट साथ में थे, हनुमान जी पकड़ के 15 को इधर रखे, 15 को इधर पकड़ के उठाए, सब महाभट बाप बाप चिल्ला रहे मिट्टी में रगड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, झाड़ू लगा के मारेगा एकदम बिल्कुल नहीं। महाभट बोले फिर कोई नया स्टाइल सोचे हैं हम लोग के लिए। हनुमान जी बोले कोरोना आया था 2 साल अभी आया था, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? बोले लंका में वैक्सीन नहीं मिला था, रावण लगवाने नहीं दिया आप लोग को। हनुमान जी बोले आज मैं सब लगाऊंगा, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, सारा डोज एक साथ लगेगा, आप दर्शन करिए। हनुमान जी पकड़ कर, रहे महाभट ताके संगा, रहे महाभट ताके संगा, कहीं कहीं कब मर जाही निजया, कहीं कहीं कब मर जाही निजया। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे, काले काले राक्षस सरकार रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, हमारे काले काले राक्षस को एक ही बार में धुलाई करके गोरा बना दिया। राक्षस बोले देख क्या रहे हो, नीचे आओ जल्दी, फंसा के ऊपर चला गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, जय श्री राम, वही बेहोश हो गया। हनुमान जी मारकर एक वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे, क्यों देख रहे थे? बेहोश है, उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की जैसे मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुष्टिका मारा मूर्छित कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार, देखिए श्रीमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो महिमा समाप्त हो जाएगी, महिमा बचाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने नाटक किया, ते ही देखा लगा नहीं, हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक कर लिए, गिर गए, गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 20 राक्षस बैठ के भुजा खा रहे थे, टिफिन हुआ था, 20 राक्षस बैठे थे, हनुमान जी उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के सबको मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी लेटे हैं, मेघनाथ आया देखा हनुमान जी को, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा,
आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, ये बेहोश है अभी। मान लीजिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास गए उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो रेंज के बाहर रहेंगे, हम इसके पास में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना परपराता है। हमसे पूछिए, पकड़ के फिर रगड़ना शुरू करेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं मेघनाथ ने नाग पास बांध सी ले गए। तब राक्षस सब मिल के उठा हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश है का? बेहोश है नहीं, नाटक। 10 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए झूला का, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हनुमान जी भी आनंद लिए। 10 मिनट बाद श्री हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। हनुमान जी बोले अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सर के पास राक्षस है सरकार वो कांपने लगे, बोले हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे हम, वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया, जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको, रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आज किसी भी लैंग्वेज में बात कर लेंगे हम, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बोला शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले अरे चुप रहो चुप, सोया नहीं जगा हुआ है, तुमको लगता है बेहोश है जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है कि जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुम भी चाहते हो तुमको न रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को सब लेकर गए, आप सब जानते हैं हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। 8:30 बज गया हो, कितने बजे ट्रेन है आपकी? 9:30 बजे मिल जाएगी, विश्वास में रहिए, बी पॉजिटिव। कहाँ से आती है? बाड़मेर से। लेट भी होती है? अच्छा, चलिए चलिए आएगी तो मिल जाएगी। हाँ 9:45 बज गया, अच्छा दौर थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। हाँ आगे आप सब जानते हैं हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगवाया, हनुमान जी ने उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुरी सिंधु मझारी। माँ की सूचना लेकर चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी भगवान के पास आए हैं। भगवान यानी यहाँ पर हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान की और कपियों की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे हैं। विभीषण जी की शरणागति भई है। इस प्रसंग को भी मैंने बीच में एक दिन सुनाया था। विभीषण जी भगवान के पास आए, प्रभु ने तुरंत समुद्र जल लेकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित किया। विभीषण जी के कहने पर भगवान 3 दिन तक प्रार्थना में बैठे रहे समुद्र के सामने, परंतु बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको प्रतप भय बिन होई न प्रिय। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान निकाले धनुष बाण चढ़ाए, समुद्र नारायण प्रकट होकर बोले त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हम आपकी आज्ञा का पालन करते, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहि सोत ही भांति रहे। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु, गगन समीर अनल जल धरनी, इन 5 तत्वों के साथ यदि व्यवहार करना हो, इन 5 को देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ताड़ना मने मारना नहीं है, अवधि में ताड़न कहते हैं देखने को, हम 4 दिन से ताड़ रहे हैं, इनको देखिए। आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र देवता कहना चाहते हैं जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं आपको बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील,
उनके आशीर्वाद से आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तरेगा, मैं भी सहयोग करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा।